दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th आज देश के विभिन्न जन संगठनों के आह्वान पर एक राष्ट्रीय शोक दिवस का आयोजन किया जा रहा है मुख्यतः सूचना का अधिकार एवं रोजगार अभियान और रोजी रोटी अभियान की ओर से ये पूरे देश में आह्वान किया गया है क्योंकि इस पूरे कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन हुआ उसमें करीब 742 श्रमिकों की जानें चली गईं और इसके साथ साथ जो आम जनता को जो भोगना पड़ा है मजदूरों को जो भोगना पड़ा है खाने की और भुखमरी की जो स्थिति है ये सब देश में बहुत चिंता का विषय है और शोक का विषय है तो हम अपने आप को संगठनों के माध्यम से सरकार से मांग भी करते हैं कि जिस आपदा में आपने हमें धकेला है कोरोना से तो जो मौतें होनी थी वो होनी थी लेकिन जो अव्यवस्था के कारण जो मौतें हुई हैं उस सब के प्रति हम दुख व्यक्त करना चाहते हैं और आज यहाँ अजमेर के जन संगठनों द्वारा पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ और महिला जन अधिकार समिति के नेतृत्व में दो ज्ञापन तैयार करके किए गए हैं जो कि एक प्रधानमंत्री के नाम है और एक मुख्यमंत्री के नाम है इसमें हमने मांग की है कि मजदूरों को जो 15 किलो अनाज हर महीने मुफ्त कराया जाए जो 5 किलो है वो बहुत कम है जो उनकी आवश्यकता से पूरा नहीं पड़ता इसके साथ साथ जैसे पहले लॉकडाउन में घोषणा की गई थी कि श्रमिकों को तनख्वाह बराबर मिलेगी और अब वो उससे सरकार भी और जो इंडस्ट्रीज़ भी हैं वो सब इस वादे से मुकर गए हैं तो हमारी मांग है कि 3 माह का वेतन उनके खातों में डाला जाए और सभी श्रमिक जो कहीं भी जाना चाहते हैं आना चाहते हैं उनको अभी निशुल्क रेल और बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाए नाम डॉक्टर अनंत भटनागर महासचिव PUCL Thank you.